हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं बात कर रही हूँ। जी मौलवी साहब, क्या अब सही कह रहे हैं ना? बहुत 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 शुक्रिया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। जी जी मैं अभी आपको अपना ईमेल भेज देती हूँ, मुझे सेंड कर दें। खुश रहिए, जजाकल्ला। फरदीन, फरदीन अरे अरे क्या हुआ है? बताती हूँ, फरदीन को तो आ देने दें जरा। फरदीन, फरदीन जल्दी आओ, कहाँ रह गए हो? क्या हुआ खैरियत? बेटा खुशखबरी है, अभी अभी मौलवी साहब के पास से कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि अगर अजमिया चाहे तो हम दोबारा से निकाह करवा के उसे रुखसत करवा के ला सकते हैं। सीरियसली? सीरियसली? अगर ये कैसे हो सकता है? अभी वो मुझे ईमेल सेंड करेंगे ना, आप पढ़ लीजिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं सलमा को बता दूं। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रेडी हो गई शर्ट? कर भी दी। आप ही ने बोला था अर्जेंट है, मम्मी ने बोला था ट्राई करवा लो। अच्छा मैं करवाती हूँ। निगर, सलीमा का फोन आया था। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों आया? बेटा कोई काम था? वो अजमिया के कपड़े सिलवाने दिए थे ना, तो वो लेकर आया। कौन से कपड़े? दिखाओ मुझे। अल्लाह, सफेद जोड़ा? नहीं नहीं बेटा, सफेद जोड़ा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। क्या हो गया? तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ। बेटा ये जोड़ा तुम अपने साथ घर ले जाओ और पैसे मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, ठीक है? लेकिन हो क्या क्या है? मैं बता रही हूँ ना, अम्मी क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, सलीमा से बात हुई है मेरी, मौलवी साहब ने मैसेज भेजा था उसे, वही फॉरवर्ड किया, पढ़ के सुनाओ ना बेटा। हाँ, ये देखो अजमिया, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए ना, तो ना इद्दत की जरूरत है ना हलाले की, बस आधा मेहर दे दो और नए मेहर के साथ नए सिरे से निकाह हो जाएगा। है ना खुशी की खबर? मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हल निकल आया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो खुश हो ना तुम? भाई को बताया आपने? निगत, हसन को कॉल करो फौरन बेटा। जी। मेरी जान, हमेशा खुश रहो। हेलो हसन, एक खुशखबरी देनी थी। हाँ हाँ,